दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेशन 2023-24 के लिए यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। तो काफी सारे बच्चों ने यूजी में रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है। मेन इशू जो है ये तीन टाइप का इशू है, इसके अलावा भी बहुत सारा इशू बच्चों ने कमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा मेजर इशू है और ये सारा इशू हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी इस पे क्या एक्शन ले रहा है। सबसे पहला जो इशू था ये था कि काफी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो फी था वो फी अपने बैंक अकाउंट से वो पे कर दिए हैं, लेकिन आपका जो स्टेटस है वो अभी भी शो कर रहा है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। दूसरा मेजर इशू ये है कि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि आपका रिकॉर्ड जो है अभी फाउंड नहीं हो रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जबकि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले कर चुका है। इसके अलावा काफी सारा बच्चों ने ये भी इशू कमेंट किया है कि वो सब्जेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा काफी और भी इशू है, तो ये सारा इशू के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी क्या एक्शन ले रहा है और आप ये सारा इशू अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, आप कैसे ये सारा इशू को दूर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक छात्र हूं, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन यहां पे आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था यूजी रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें तीन कोर्स का आपका एडमिशन बताया गया था और तीनों कोर्स के लिए एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया था कि अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस सब्जेक्ट वाइज जो ईमेल दिया गया इस पे आप अपना इशू मेल कर सकते हैं। लेकिन इशू काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वेबसाइट काफी स्लो है, वेबसाइट में भी काफी ज्यादा इशू है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने फिर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल 8 नंबर आपको दिया गया है, 8 मोबाइल नंबर है और 8 ईमेल आईडी है। आप इस पे किसी पर भी आप मेल कर सकते हैं या फिर आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके आप अपना इशू उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना इशू उनको बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के पास भी ज्यादा डाटा आ जाएगा कि क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है वो वेबसाइट अभी काफी न्यू है और वो अभी थोड़ा उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इससे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने में काफी इशू हो रहा है और इसके चलते बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं। बच्चों को लग रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, मेरा एडमिशन कैसे होगा, इसको लेके बच्चे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आप अपना इशू इस पे डिस्कस कीजिए। इस फैकल्टी मेंबर्स का जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, 8 नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए। और ये ध्यान रहे कि आप जब भी कॉल कर रहे हैं तो ये ऑफिस आवर में कॉल करें, यानी कि आप 9 बजे 10 बजे से कॉल कर सकते हैं और शाम को 4-5 बजे तक कॉल कीजिए। ऐसा नहीं कि रात में आप 9 बजे 10 बजे कॉल कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। आप ऑफिस आवर में कॉल कीजिए, आप अपना इशू डिस्कस कीजिए और वहां पे जैसे जैसे इशू पहुंचेगा वैसे वैसे वो लोग उसका सोल्यूशन निकालेगा और आपका जो भी इशू है वो जल्द ही सोल्व हो जाएगा। तो ये मेन था कि हेल्पलाइन नंबर जो यूनिवर्सिटी है वो जल्द ही जारी कर दिया, जिससे बच्चों को जो इशू हो रहा है वो जल्द ही सोल्व हो जाएगा। तो इससे बच्चे अपना इशू क्या है जल्दी डिस्कस करें और अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। लास्ट डेट जो है इसका 26 जुलाई है, तो इसका इंतजार ना करें कि आपका डेट आगे बढ़ेगा, 26 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किसी भी प्रकार से कर ले। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप आगे के स्टेप के लिए एलिजिबल है, मेन रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारा और भी बच्चों को इशू देखने को मिलेगा, तो जैसे जैसे इशू आपका हमको देखने को मिलेगा, कमेंट आएगा, मैं आपको उस प्रकार से वीडियो अपलोड कर दूंगा। काफी सारा हमको कमेंट देखने को मिलता है, 200-250 कमेंट रहता है, तो मैं सभी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। मैं सब कमेंट देख लेता हूँ कि मेजर किस टाइप का कमेंट आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग में इशू था तो मैं इस पर एक वीडियो बना दिया। और इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में भी काफी सारा क्वेरी पहुंचा है कि वेबसाइट स्लो है, तो यूनिवर्सिटी ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, तो आप अपना उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और वहां पे डिस्कस कर ले। काफी सारा बच्चा ये चीज भी पूछते हैं कि भैया क्या आप हमारा एडमिशन करवा सकते हैं, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग का कुछ नहीं है। इस टाइप का कमेंट या इस टाइप का मैसेज ना करें, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका एडमिशन के रिगार्डिंग डाउट है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पूछे, मेरे थ्रू जो भी मतलब इस टाइप का अगर इशू देखने को मिल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों पूछते हैं कि भैया मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा डिस्कस कर दीजिए, फैकल्टी से बात करा दीजिए, तो इस टाइप का जो भी डिस्कशन है वो ना करें।
ये एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से बात करिए, इनडायरेक्टली हमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन आपका आता है यूनिवर्सिटी का, मैं वही नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप पहुँच लगाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बात करें, हमसे बात करने का कोई इसका बेनिफिट है नहीं। तो ये एक नोटिफिकेशन था, इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन जैसे जैसे आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आप चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपका डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा या फिर उस पर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।